आप देख रहे हैं दखल न्यूज। किसी भी किस्म का जोड़ तोड़ न होते देख विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भी जनादेश दिया है उन्हें स्वीकार है। किसानों और सवर्णों की नाराजगी का नतीजा शिवराज सिंह और बीजेपी को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने वोट हमको ज्यादा दिए लेकिन सीट कांग्रेस को ज्यादा मिली। हम तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह का यह बयान अर्धसत्य है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस की बढ़त के साथ कल ही शिवराज सिंह इस्तीफा दे देते। शिवराज सिंह अब नंबर गेम में हार गए और कहीं से भी उन्हें 116 का आंकड़ा छूने में कामयाबी नहीं मिली, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि वोट ज्यादा प्राप्त किए हैं लेकिन संख्या बल में हम पिछड़ गए हैं। मैं संख्या बल के सामने शीश झुकाता हूं और हमने फैसला किया है कि स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। मैं अपना इस्तीफा देने महामहिम राज्यपाल महोदया के पास जा रहा हूं। आपको बता दें कि आरएसएस को बीजेपी के ये हाल होने का अंदेशा था और आरएसएस ने बीजेपी और शिवराज सिंह को आगाह किया था कि नेगेटिव कैंपेन, सवर्णों को चुनौती देना और किसानों की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। आरएसएस की बात पर ध्यान न देना बीजेपी और शिवराज सिंह के सत्ता से बाहर जाने की प्रमुख वजह बनी। ऐसे में मोदी मैजिक भी बीजेपी के काम नहीं आया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।